संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी की शरण में रहता है, हनुमान जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। और आज इसी बात का उदाहरण देती हुई एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपकी भी ऐसी कोई सच्ची अनुभूति है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं आज की अनुभूति का। ड्राइवर हैं, उनका नाम है आयुष जी, और आगे की जो भी आपको अनुभूति सुनाऊंगी उन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगी। नमस्ते दीदी, मेरा नाम आयुष है और मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और बाबा से सदा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही प्रसन्न रहें और सफलता की ओर बढ़ती रहें। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आयुष जी, और माफ़ी भी चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अनुभूति सितंबर में दी थी और इतना समय निकल जाने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ कारणों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसके बाद दीपावली आ गई और फिर हमारे घर में रामायण का पाठ हुआ, जिस कारण से टाइम नहीं मिला और मैं अब वीडियो बना पा रही हूँ। तो आयुष जी ने आगे लिखा है कि दीदी, आज 25 सितंबर यानी कि जिस दिन इन्होंने मुझे भेजा था उस दिन की मैं आपको ये अनुभूति सुना रही हूँ, तो आप डेट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। तो ये लिखते हैं कि इस हनुमान बाबा के छोटे से दास का जन्मदिन है, यानी कि 25 सितंबर को आयुष जी का जन्मदिन था और उन्होंने उसी दिन की अनुभूति हमारे साथ शेयर की है। और आज मैं अपने प्यारे बाबा की ऐसी कृपा का बखान करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। आज मैं अगर जीवित हूँ तो बाबा की वजह से ही हूँ। मैं बाबा का शुक्रिया करने लायक तो नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ। दीदी, बाबा की कृपा के आगे मैं कुछ बताने के योग्य हूँ ही नहीं, और जो अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मुझे यकीन है कि हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि स्वयं बाबा ने मेरी जान बचाई है और बाबा के कारण आज मैं जीवित हूँ। दीदी, मैं अपना जन्मदिन अपने माता पिता और हनुमान जी के साथ मनाता हूँ, बाबा के मंदिरों में जाकर दर्शन करता हूँ। दीदी, मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड है जिसका नाम है गौरव बंसल, उसको पता चल गया कि मेरा जन्मदिन है और उसने रिक्वेस्ट की कि हम कहीं बाहर चलते हैं, और इस समय बहुत सुंदर मौसम है महाराष्ट्र में, बहुत सुंदर पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में जो मानसून के मौसम में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो हमने मालावली में जाने की योजना बनाई और वहां पे छत्रपति शिवाजी के तुंग किले पर हमने ट्रैकिंग का प्लान बना डाला। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो छत्रपति शिवाजी का तुंग किला है उसे कैथिनगढ़ का किला भी कहते हैं, जो एक मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, कैथिन का अर्थ होता है कठिन। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुंग किले की समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 1075 मीटर है और वहाँ पर चढ़ना बहुत कठिन है, इसीलिए इसे कैथिनगढ़ का किला भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, और आयुष जी की आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, इन्होंने हमसे कहा था कि ये तस्वीरें भी मैं शेयर कर सकती हूँ वीडियो में, तो मैंने उनकी कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं। और दोस्तों, शिवाजी के जो तुंग किले में एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा है, बहुत ही दुर्लभ, जिसके दर्शन सभी को नहीं प्राप्त होते, तो आज आयुष जी के कारण हम सब लोग उस प्रतिमा के दर्शन का लाभ उठाएंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि सभी के जीवन में ऐसे ही सुख शांति बनी रहे। तो दोस्तों, ये आगे लिखते हैं कि हम महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं और वहाँ से सुबह बाइक से हम दोनों दोस्त निकले 3 बजे, सुबह के 3 बजे, और हम तुंग फोर्ट पर पहुँच गए 3:30 बजे। रास्ते भर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिस कारण से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं हनुमान जी का ध्यान करता रहा। दीदी, मैं हमेशा हनुमान जी को याद करता रहता हूँ क्योंकि मैं उनके बिना कुछ हूँ ही नहीं, मैं उनका एक छोटा सा दास हूँ।
दीदी तुंग फोर्ट बहुत ही सुंदर जगह स्थापित है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, सुंदर नज़ारे। हमने वहाँ पास के गांव वालों से पूरी जानकारी इकट्ठी की तो उन लोगों ने कहा कि इस मौसम में उस किले पे चढ़ना बहुत कठिन है क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आप संभल कर जाइएगा। पर मैं ये जानता हूँ कि बाबा जहाँ होते हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा की पंक्ति लिखकर भेजी है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना। और सच भी है दोस्तों, जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संकट छू भी नहीं सकता। आगे ये लिखते हैं कि दीदी बारिश के कारण हम दोनों भीग चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे गरम गरम पकौड़े खाए और उसे हनुमान जी का प्रसाद ही समझा, क्योंकि मैं जो भी कुछ खाता हूँ वो हनुमान जी के प्रसाद के ही रूप में ग्रहण करता हूँ। दीदी तुंग फोर्ट पर हमें ऊंचाई पर पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगा और उस किले में हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर सिंदूरी रंग की प्रतिमा है जो आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। दीदी दर्शन के बाद हम वहाँ कुछ देर रुके और वापस लौटने लगे। अभी मेरा लेफ्ट पैर फिसल गया और मैं गहराई में गिरने लगा। दोस्तों उन्होंने आगे लिखा कि 20 फुट से ज़्यादा गहराई है उस किले की, लगातार फिसलन के कारण रुक भी नहीं पाए, संभल भी नहीं पाए और फिसलते चले गए। काफ़ी नीचे गिरने के बाद जब ये उठे तो इन्हें कुछ भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, केवल सिर पर थोड़ी बहुत चोट थी, घुटनों में थोड़ी बहुत खरोंच थी। तो इनका कहना है कि इतनी ऊंचाई से और इस मौसम में गिरने के बाद अगर ये आज जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा से है। इन्होंने पूछा है कि ये हनुमान जी का चमत्कार नहीं तो क्या है, तो मैं आपसे इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है ये चमत्कार नहीं तो क्या है। सच में अगर हम ऐसी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और एकदम से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों तो संभल पाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर वहाँ पर फिसलन है और मानसून के मौसम में फिसलन बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ियों पर तो उस समय तो साथ संभलना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं तो इसे बाबा का चमत्कार ही मानती हूँ। तो आज की दोस्तों कैसी लगी आपकी अनुभूति आयुष जी ने जो मुझे भेजी थी बहुत पहले और मैं आज शेयर कर पा रही हूँ, ये सच में बाबा का चमत्कार है कि आयुष जी उस गिरने के बावजूद उतनी ऊंचाई से बिल्कुल सही सलामत है और बाबा का इनकी बर्थडे पर इतना सुंदर तोहफा उन्होंने दिया जिसका कोई बखान भी नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये अनुभूति पसंद आई हो तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सारे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए और जो भी भक्त आपकी शरण में रहे उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए बाबा मेरे। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।